मैं शुक्रगुजार हूँ कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमको मिला। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, हम सबको भी ये चाहिए कि उन्होंने जो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसी को लेकर हमें उन्हीं के पैगाम, उन्हीं के संदेश को लेकर पूरे हम सबको आगे बढ़ना होगा। I see four great quality in our honorable prime ministers. एक तो विजन है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है और स्पिरिचुअल है। अच्छा कदम है कि सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा करके एकजुट यहाँ जो देश की पार्लियामेंट है उसमें लाया जाए, सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का। ये उनकी बड़ाई है कि उन्होंने आकर हमारे साथ वक्त गुजारा। इट वॉज सच ए वंडरफुल जेस्चर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। इज ए सच ए बिजी पर्सन बट ही केम एंड ही मेट द एंटायर डेलीगेशन ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, डिफरेंट फेथ लीडर्स आर हियर। कोई भी इंसान जो ऐसा काम करता है वो दुनिया के दिलों में अपने आप भर जाता है। जब प्रधानमंत्री इतने जैसे काम कर रहे हैं, क्यों नहीं सभी के हृदय में बैठेंगे, कितना सोना काम कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी संदेश को लेकर के हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की संस्कृति है, उसी संदेश को लेकर के हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। जो भारतीय संविधान है और जो भारतीय संस्कृति है वो विविधता में एकता है। यदि भारत के संविधान और संस्कृति के हिसाब से विविधता में एकता है तो भारत सुंदर है। नई संसद में आकर के प्रधानमंत्री जी से मिलना बहुत ही खुशी की बात है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ जो लम्हे मिले और उन्होंने जो देश को तरक्की करने के लिए एक सपना बुना है और उसके प्रति तमाम देशवासियों को एक साथ, 140 करोड़ देशवासियों को एक साथ लेकर चलने की जो बात है, पूरी दुनिया हमारे भारत देश की तरफ देख रही है। ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ हम जहाँ भी जाएं, जिस सिंध भी जाएं, हमारे देश की कामयाबी तरक्की का हिस्सा बने, ये दुआएं हैं अजमेर दरगाह शरीफ से। आज देश के चुने हुए सांसद और संसद में भी देश के नेतृत्व करने वाले, तो उनका साथ मिलना और वार्तालाप करना अपने आप में एक सर्वोच्च है। आदरणीय मोदी जी से भेंट हुआ और एक नया संदेश है, भारत में एकजुट होकर सभी धर्म, सभी संप्रदाय नए भारत का निर्माण करने में लगे हैं। उसी में साधु संतों का जो सहयोग है, उनका भी जो संदेश है वो यही है, आओ मिलकर चलें और इस भारत को उन्नत भारत बनाएं।